आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप कम हेल्थी फूड खाते हैं या फिर खाने से जुड़ी कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे कि जंक फूड खाना, न्यूट्रिएंट डाइट ना लेना, और अगर आप ऐसी कई सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है। ये दावा क्या है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट ने आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मैक्सिको के जनरल हॉस्पिटल की क्लिनिकल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की प्रमुख वेनेसा फोक्स ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों को अपनी डाइट में ग्रीन टी, करक्यूमिन, अनार और फूल गोभी जैसे पॉलीफिनॉल से भरपूर सब्जियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अनहेल्थी खाने या फिर खाने की बुरी आदतों की वजह से कैंसर हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि पॉलीफिनॉल तत्वों से भरपूर खाने पीने की चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से न्यूरो डिजनरेशन कम होता है, बढ़ती उम्र की गति धीमी हो जाती है और कैंसर से बचाव होता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस डाइट में पॉलीफिनॉल की कमी होती है उसे ब्रेस्ट कैंसर से लेकर पैंक्रियाटिक, स्किन, प्रोस्टेट, आंत और भोजन नली के कैंसर से जोड़कर देखा जाता है। यानी अगर आपका डाइट पॉलीफिनॉल रिच नहीं है तो फिर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीन टी ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर सेल्स के फैलाव को रोकती है, जबकि करक्यूमिन और अनार प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करती है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।